साइड जाओ, वो साइड इधर से आना चाहिए। कुठला फटलेला टायर? टायर कोण सा वाला फुटला? था गाडी गया सांगितलं।
बोलता तो चुकी बात होते चांगला बोलना तो वाईट बात है अपन का बोला गप बसा बस मारो खाली बस मारो खाली मारो एक ही इंसान है कमाने वाला घर का वो भी मरेगा तो क्या होगा वो देखते खाली बस खाली करो खाली बस क्या है जिंदगी ऐसा जिंदगी मारो या मारो बस तुम्हारा कुछ नहीं बाबा तुम्हारा कुछ नहीं है हम लोग पब्लिक आम है अरे रात को मैं निकला उसको मालूम है कोई था इधर पे तो आपका ये कभी से लाइव चल रहा है मेरा तुमची काम तुम्ही बरोबर करतो तुमची काय चुकी नाही 7208257 रात को वो गाड़ी किसमें मालूम है क्या वो गाड़ी किसमें मालूम है पुलिस वाले गाड़ी है वो भी गिरा रात को पुलिस वाला भी गिरा है हाँ मैं खुद उठाया पुलिस वाला गाड़ी हाँ मैं ही उठा उसको भी रोज का डेली का है यार अपने सामने आदमी मरता अच्छा लगता है चमकने वाला लाइट लगा नहीं ऐसा सब गाड़ी लगा के एनर्जी डालते हैं बोले क्या जस्ती बोलते मरने है क्या कुछ नहीं बोलने दो ना इनको क्या है जस्ती बोलते जस्ती बोलते बस बोलेगा बस बोलण्याचं म्हणणं काय आहे आम्ही जायचं का कॉन्ट्रॅक्टर तुम्ही प्रशासन मध्ये कसलाय उपर मरने के बाद बोलणे मरने के बाद नाही आम्ही जायचं का हॅलो बोला कुठं रस्ते का काम है अभी मतलब इन लोग जो खड्डा करके रखे इन्होंने जगह जगह से सिलफाटा से लेके बहुत जगह इन्होंने खड्डा करके रखा है ये यहाँ पे बीच में नाला है जगह जगह पे तो ये तो मतलब नाले का काम है इनको मतलब बोल रहे कि हमको पाइप का अड़चन आ रहा है तो मैं बोल रहा हूँ कि जब पाइप का अड़चन आप लोग को आ रहा है तो फिर ये खड्डे क्यों करके रखे हो जब काम करना है तो उसी समय खड्डा करके तुरंत काम कर दीजिए क्योंकि यहाँ पर रोज़ आए दिनों एक्सीडेंट हो जा रहे हैं रोज़ हम लोग दो तीन को तो हटाते ही है और ये अभी अब तक का सबसे बड़ा एक्सीडेंट है यहाँ पर कि यहाँ पे जो मतलब लड़का गया रात को 3 बजे के करीब एक्सीडेंट हुआ धमाका इतना जोर से था
कि हमारा भतीजा यहीं पे सोता है, हमारी ऑफिस है यहाँ पे, तो उसने 3 बजे रात को आवाज़ सुना, तो वो आदमी को जाके उन्होंने मतलब उनकी जान गई नहीं, उनको एकदम सेफ निकाल लिया उन्होंने गाड़ी से, फिर वो रात को लड़का यहाँ से चला गया। और मैं चाहता हूँ कि ये जो रोड पे जितने भी खड्डे खुड्डी हैं इसको तुरंत बुझा दिया जाए और इसका अच्छे से काम कर दिया जाए, क्योंकि ये घटिया प्रकार का कॉन्ट्रेक्टर है और घटिया प्रकार के ये झोला छाप सब लोग है, कॉन्ट्रेक्टर भी और जो काम कर लोग वो लोग भी फावड़े से लेके काम कर रहे हैं। इतना बड़ा हाईवे का काम करना है तो ये रोड बना के काम करिए, क्योंकि इस पर मतलब जो है सिस्टमेटिक काम करिए, ये फावड़े से काम कर रहे हैं, सब रोड क्या काम क्या करेंगे, ये सब हर जगह से बहुत घटिया तरीके से काम हो रहा है यहाँ पे। और अगर ठीक है गाड़ी टूटी कोई बात नहीं, वो तो बन जाएगी, अगर किसी का जान गया या कुछ गया तो उसका जिम्मेदार कौन? चंद्रहास होटल है यहीं सामने पे, वहाँ पे कुछ अभी 1 महीना पहले एक्सीडेंट हुआ रिक्शे वाले को, जगह भी बेचारा ख़त्म हो गया, कम से कम 40 से 45 एक्सीडेंट हो चुका है यहाँ पे। मैं चाहता हूँ कि इस काम रोड का काम है जल्द से जल्द करा दिया जाए, अगर नहीं हो रहा है तो चोर कॉन्ट्रेक्टर है इसको छोड़ दे काम, जैसे हम जिस हालत में जी रहे उसी हालत में, न रोड पे लाइट है न गटर का काम है, कुछ सिस्टमेटिक नहीं है, जैसी हालत में हम जी लेंगे, पर ये जो आए दिनों एक्सीडेंट हो रहा है ये नहीं होना चाहिए, हमें कच्चा ही रोड चल जाएगा, उसको लेबल करके दे दो, मेरी यही रिक्वेस्ट है। संतोष भारद्वाज, दो दिन बाइक वाले, कल 3 बाइक वाले जाने, चौथा कार वाला वाला, 3 वाजता 11 बजेपासून चालू हो जा रहा थे, एक तो पुलिस से झाला एक पाजी बाइक का उभी पुलिस त्याचा एकदम गडबड जरा मैं हॉस्पिटलमध्ये घेऊन गेले, डेली होतं डेलीचे होतं चालू असतात। काय मागणी तुमची? ही बनवत नाही असं सोडून ठेवलं आहे, रोड बनवत नाही काय नाही असं सोडलेलं आहे, किती 1 वर्षभर झालं असं चालू आहे, 1 वर्षभर झालं काय कामच करत नाही।